बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे पट्टी नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर पट्टी नज़र आ रही होगी चलती हुई, ये आप पट्टी कैसे लगा सकते हैं? इस पर टाइटल यानी के जो लिखा हुआ है मज़द, ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आप कैसे लगा सकते हैं और इसको आगे या पीछे चला सकते हैं, तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं पर आपको सिखाता हूँ कि ऐसी पट्टी न्यूज़ वाली कैसे चला सकते हैं। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि काइन मास्टर के रहते हुए आप मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ये कैसे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं काइन मास्टर पर, काइन मास्टर को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी देर लगेगा, देर लेने के बाद ये हो जाएगा ओपन। तो ये देखें हो चुका है अभी ओपन, तो आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक हो गया, होने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, उसके नीचे पट्टी चलानी है, तो आपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर कोई सी भी पीछे पिक्चर या वीडियो वो वीडियो इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने वीडियो पर पट्टी लगानी है, तो यहाँ से मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी वीडियो है, ये मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने पीछे आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने वो टाइटल लिखना है जो हमने पट्टी चलानी है, तो हम लिख लेते हैं ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी पट्टी हो चुकी है तैयार, हमने टेक्स्ट लिख लिया है। ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां देखें ये आ चुकी है हमारे पास पट्टी, तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा ये देखें, यहां पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, यहां पर हम चूज करते हैं कोई सा भी कलर, आपने इस पर क्लिक करना है। ये हम ब्लू कर लेते हैं। ब्लू करने के बाद ये आपने फुल वेडिंग ब्लैक ग्राउंड बैकग्राउंड यहाँ पर आपने जरूर पर जरूर क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये पट्टी हमारे पास आ चुकी है फुल। तो हम पीछे आते हैं, तो अभी हम आपको सिखाते हैं कि इसको चलाया कैसे जाए। आपने इस पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये चाबी का निशान बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है, यहाँ पर आपने कर लेना है। करने के बाद यहाँ जो जमा लिखा होगा वहां पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेना है, क्लिक जहां तक आप चाहते हैं कि यहां तक पट्टी मुक जाए, तो यहां से हम इसको करेंगे आगे। आगे करने के बाद यहां से आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखें ये हमारी हो चुकी है वीडियो तैयार, तो यहां से हम आपको अभी चलाकर भी दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। आप जो यहाँ पर पट्टी देख रहे हैं, ये आपको भी पट्टी बनाना, पट्टी यहाँ पर चलाना सीख चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।